हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब एकदम फिट, जबरदस्त। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.6, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जो के है प्रिसीजन और एक्यूरेसी पर। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, नाम से आपको लग रहा होगा यार ये दोनों बिल्कुल सेम एक जैसी चीज़ें हैं, कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रीसाइज होती है जिसके हद रसाई। प्रिसीजन का मैं मतलब लूँगा हद रसाई और एक्यूरेसी का मतलब होगा सही, करेक्ट। ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। लाजमी बात नहीं है जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्री साइज हो वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट भी हो। ये भी हम आज देखेंगे और इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्यों ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स ही हैं, दोनों का अलग अलग है, एक नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी आज इस टॉपिक में देखते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ जो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग देती है। मेरे पास जी, लेट्स सपोज 40 kg का एक थैला है, ठीक है, बोरी है। इसमें 40 kg की ना शुगर है। मैंने एक बंदे को कहा, यार तू एक काम कर, तू मुझे ना ये तोल दे। मुझे पता नहीं यार ये 40 kg पूरी है या कम है, लेकिन मुझे यार तू तोल दे। अब जाहिर सी बात है मैथ्स के लिए भी इम्बैलेंस यूज़ करूँगा। मैं गया बाज़ार, मैंने इसको कहा यार ये है, इसको तोल के दे दे। उसने क्या किया, उस बंदे ने, उसके पास ना किलो वाला वट्टा था, यानी कि जो मेजरिंग उसके पास डिवाइस है वो बीम बैलेंस है, और उसमें जो कंपेरेबल क्वांटिटी थी वो 1 kg थी। मैंने कहा यार ये वट्टा 1 kg का है? उसने कहा सर ये 1 kg का ही है तकरीबन। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, 1 kg कर लेते हैं, 40 हो गए तो हमें पता लग जाएगा भाई ये 40 kg है। उसने क्या किया, उसने एक तकड़ी बट्टे में एक तरफ शुगर रखी, एक तरफ अपना वट्टा रखा, तो वो वैल्यू आ गई, उसने 1 kg कर दिया। फिर उसने दूसरी मेजरमेंट रखी, फिर उसने देखा, उसने, मैंने कहा यार ये तेरी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। उसने कहा सर एक चीज़ तो मुझे नहीं पता कि ये जो किलो का वट्टा मैंने जिससे ख़रीदा है ना, ये जो एक आपका जो वट्टा पूरा है, ये मुझे नहीं पता सर कि ये वाकई में ही 1 kg का है या 1 kg से कम ज़्यादा है। हाँ एक चीज़ की मेरे पास फुल गारंटी है। मैंने कहा वो क्या? उसने कहा सर ये जो 1 kg मैंने पहले तोली है और जो मैंने बाद में तोली है, ये दोनों वैल्यू सेम होगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि ये तुझे शक है कि ये सही है या नहीं, लेकिन एक चीज़ तुझे कन्फर्म है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर असल में जो दोनों वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सेम, ये असल में जो मेरे पास डिवाइस है यानी कि जो बीम बैलेंस है, ये उसकी है प्रीसीजन, कि वो यहाँ तक बड़ी बेहतरीन वैल्यू को मेजर करके दे रहा है। हाँ ये इसमें चक्कर हो सकता है कि जो 1 kg है ये आप अगर किसी बेकरी पर लेके जाएं तो वो मे बी 1 kg ना हो, वो हो 1010 ग्राम, यानी कि 1.01 kg, ये हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रीसीजन के हद रसाई दोनों टाइम पर, दोनों मेजरमेंट में बिल्कुल सेम आ रही है, बट कहाँ पर रोला डल रहा है? रोला डल रहा है कि वो सही है या नहीं। समझ आई बात? थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ कि जो ये होता है ये आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। क्या चीज़? प्रिसीजन, कि आप किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, हद रसाई कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक आप मेजरमेंट कर सकते हो। एक्यूरेसी जो है ये डिपेंड करती है कि आपने जो मेजरमेंट की है वो जिस डिवाइस से की है उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है। अब अनसर्टेनिटी ये क्या है, एरर क्या, अनसर्टेनिटी वो टॉपिक में इधर पिन कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। एरर का था कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, यानी कि जो एक वैल्यू हकीकत में है और जो हमने वैल्यू मेजर की है या थ्योरेटिक वो जो मेजर वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर है। बट अनसर्टेनिटी के बारे में ये था कि अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटिंग वैल्यू है, अगर आप उससे नीचे मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि ये मेरे पास एक स्केल है, इसके ऊपर ये 0 है, ये 1 है, और इसके दरमियान में 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, इसका मतलब है कम से कम ये वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर कर सकता है, इससे नीचे इसकी लिमिट खत्म हो जाती है। इससे नीचे कहता सर मेरी माफ़ी, मैं नहीं कर सकता काम, मैं जो भी मेजरमेंट दूंगा वो मेरी करेक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, उसमें बहुत घपले होंगे, मुझे ना आपने बाद में लड़ना कि सर आपने बड़ी गलत मेजरमेंट करवा दी है। मैंने कहा अच्छा, तो ये जो होगी ना लिमिटिंग वैल्यू, ये उसमें जो आएगी ये अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी मीन गैर यकीनियत, सर्टेनिटी मीन यकीनियत, यानी कि आपने कोई मेजरमेंट की वो 98% ठीक है तो आपको सर्टेनिटी है, 2% गलत है तो हम कहेंगे वो अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज का फैक्टर ज़रा देखते हैं और साथ ही हम ये प्रिसीजन एक्यूरेसी की जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ उनको भी देखते हैं। ये आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो आपकी प्रिसीजन होती है ना, ये होती है डिपेंड करती है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की
एब्सोल्यूट अनसर्टेन, यानी कि जो हर बार अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है। मैंने कहा हर बार कितनी की आएगी, इससे डिपेंड करेगा। मैंने कहा किस पे? उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटिंग वैल्यू पे। मैंने कहा यार ये लिमिटिंग वैल्यू अब क्या चीज़ आ गई? उसने कहा सर ये लिमिटिंग वैल्यू है जिससे नीचे आप जा नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार आप वो बात कर रहे हो जो सबसे कम मेजरमेंट हो सकती है, यानी कि ये जो क्लॉक है मेरे पास, इस क्लॉक की सबसे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? उसने कहा सर ये एक सेकंड सही मेजर कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इसका फिर लिमिटिंग वैल्यू एक सेकंड, इससे नीचे के मेजरमेंट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा मैंने कहा अब पता लग रहा है लिमिटिंग वैल्यू का। तू मुझे कह रहा है लीस्ट काउंट। मैंने कहा इंग्लिश में बोल लीस्ट काउंट। अच्छा अच्छा उसने कहा सर लिमिटिंग वैल्यू लीस्ट काउंट, जिसको हम क्या लिखते हैं एलसी। ये होती है हर हाल में अनसर्टेनिटी आएगी आएगी, तो इसका नाम क्या रख दूंगा मैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्योंकि ये वाली गलती होनी होनी है, लाजमी बात है। ये तो हर हाल में वैल्यू में थोड़ा सा इतना सा घपला तो होगा। इसका नाम क्या होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको मैं लिखूंगा ए डॉट यू। और असल में ये डिसाइड कर रहा होगा उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को, हद रसाई को। जाहिर सी बात है, कैसे? मीटर रोड लिख देता हूँ। मीटर रोड की हद रसाई है जी 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर की सेंटीमीटर का 100 पार, तो क्या आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू की 0.00 थाउजेंड्स पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। तो ये जो है ये असल में इनकी कम से कम वैल्यूज है जो ये मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब इनके लीड्स काउंट्स है और यही इनकी हद रसाई है, यानी कि प्रिसीजंस तक है कि यहाँ तक ये मेजरमेंट मेजर कर सकता है। ये होंगी इनकी प्रिसीजंस या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इतना सा घपला हर इंस्ट्रूमेंट में होगा। अगर वर्नियर है तो उसमें इतना घपला लाजमी बात होगा, स्क्रू है तो उसमें इतना घपला तो होगा, ऊपर नीचे का अलग से। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि जो मेजर कर रहा है वो कैसा बंदा है। अब देखते हैं एक्यूरेसी ये क्या है। एक्यूरेसी जरा देखते हैं ये क्या चीज है। एक्यूरेट होना, मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। एक तो चीज ये थी कि एरर में ये था कि हमें पहले वाली लिमिटिंग पता थी कि हमने इस वैल्यू तक जाना है। जैसे कि जी की वैल्यू 9.8 है, 9.7 तक है, तो 9.8 से 7 0.1 आ। मैंने कहा यार ये लिमिट, ये जो आ रहा है ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर आपको मेजरमेंट ही ना पता हो यार, जिसकी आपने मेजरमेंट करनी उसको पता ही नहीं। जैसे पॉइंटर मुझे पता ही नहीं इसकी लेंथ कितनी है, पता ही नहीं ना। तो अब आप जो मेजरमेंट करोगे वो एक तो डिपेंड करेगी आप इंस्ट्रूमेंट कैसा चूज कर रहे हो, प्रिसीजन। दूसरा, आपने मेजरमेंट जिस चीज से किया है उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी, आपकी कितने परसेंट तक ये मेजरमेंट जो की गई ये ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, हमारे पास दो टर्म्स होंगी, इधर इधर थी एब्सोल्यूट, इधर होगी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल मीन टुकड़ों में, कितने टुकड़े तक आपका जवाब ठीक है, या इसको आप परसेंटेज कर सकते हो। अगर आप इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज में चली जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा? आपने कोई मेजरमेंट की, जैसे कि मैं कहता हूँ आपने 100 किलोमीटर मेजर किया। 100 किलोमीटर मेजर करते वक्त 100 किलोमीटर का आपको एक जी बजट मिल गया है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक आपने ये मेजरमेंट करनी है। अब आपकी जो डिवाइस है उस डिवाइस में 0.1 सेंटीमीटर का घपला है। अब मैं जाहिर सी बात है उस 1 किलोमीटर को 0.1 वाली डिवाइस से नहीं मेजर करूंगा, मैं ऐसी डिवाइस से मेजर करूंगा जिसका लीस्ट काउंट इससे काफ़ी बड़ा हो। क्योंकि मैं थोड़े ना फुटों से ऐसे मेजर करूंगा जाके स्केल्स या मीटर रॉड से, मैं कोई बड़ी डिवाइस लूंगा जिसका जो मिनिमम जो मेरे पास जो लीस्ट काउंट है वो कम से कम इतना हो कि जो मुझे विजिबल हो जाए। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक डिवाइस है जो 500 मीटर करती है और उसमें कम से कम जो वैल्यू वो 1 मीटर की आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या बनेगा कि जो 100 किलोमीटर मैंने मेजर करना है उसे 1 किलोमीटर में 2 बार डिफरेंस आ जाना, 2 बार रोला आना है, कितना? 1 मीटर का। तो जब आप इन सबको जमा करोगे तो वो सारे रोले जमा होते जाएंगे, घपले एरर्स अनसर्टेनिटीज वो जमा होती जाएगी। जो नेट जवाब आएगा ना उसमें से उतना चीज़ माइनस हो जाएगी, तो वो जो नेट आंसर आपका बचेगा 100% वो एक्यूरेसी बचेगी सर्टेनिटी, और जो बाकी बचेगा वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बचेगी। अब जितनी गलती परसेंटेज में कम होगी उतनी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, ठीक होगी। इसको ज़रा करते हैं फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ज़रा ये सुनो। मेरे पास है जी एक सेल शॉप, ठीक है। इस सेल शॉप के अंदर मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस सेल शॉप के अंदर
एक चीज़ मेरे पास 10 रुपए की है, एक चीज़ मेरे पास 20 रुपए की है, एक चीज़ 50 की है, एक चीज़ 100 रुपए की है। इस पूरी सेल के अंदर मैंने कोई भी चीज़ अगर बेचनी है तो उस पर 1 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ना है, 1 रुपए, ठीक है, कोई भी चीज़ पे 1 रुपए टैक्स देना पड़ना है। तो इसके अंदर 1 रुपए, इसके अंदर 1 रुपए, इसके अंदर भी 1 रुपए और इसके अंदर भी 1 रुपए। अब आपने ये देखना है कि कितने परसेंट मुझे एक चीज पे पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं 1/100 × 100 तो आंसर विल बी 10%। इधर 1/20 × 100 क्या आएगा आंसर? 5%। 1/50 × 100 आंसर क्या आएगा? 2%, ठीक है। और 1/100 × 100 अगेन आंसर क्या आ रहा है? 1%। ये मैं कैसे कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू, जैसे कि अगर मैं इसके लिए 20 के लिए कर देता हूं तो इधर मैं लिखूंगा 20 के लिए 1/ जो मैं दे रहा हूं डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह ही मेरा 5% आ रहा है। आप मुझे ये बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी चीज़ में हो रहा है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इसके मुताबिक आप देखोगे, आपको कहो सर जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी परसेंटेज आ रही है ना, वो टैक्स आप ज़्यादा दे रहे हो। इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ में सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इस चीज़ में, इस चीज़ में कम और इस चीज़ में और कम। इसका मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि जो चीज़ के ऊपर आप मेजरमेंट कर रहे हो, ये जो 1-1 लिख रहा हूँ, ये मैं उस चीज़ का लीस्ट काउंट रख रहा हूँ। इसका मतलब है कि इससे आप जितनी बड़ी वैल्यू को मेजर कर रहे हो, आपके एरर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब आ जाओ इसी एग्जांपल को मैं मूव करता हूँ एक फिजिक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल में। अब इसके अंदर ये जो 1 की वैल्यू थी ना, ये कम से कम होनी थी। इस कम से कम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का नाम हमने लिखा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, AU नाम रखा था उसका। अब ये क्या होंगी, ये जो परसेंटेज में आ रही है, ये क्या होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये क्या बता रही है कि भाई 10% का नुकसान हो रहा है, 90% बचत है। 5% का नुकसान हो रहा है, 95% बचत है। 2% का नुकसान हो रहा है, 98% बचत है। और 99% जो है बचत है, 1% जो है वो लॉस है। तो ये जो है लॉस, जितना कम होगा वैल्यू उतनी अच्छी होगी, सर्टेन होगी। अब इसको ज़रा समझते हैं। मेरे पास एक मीटर रॉड है और हमें पता है कि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर, और ये इसके अंदर रोला होना है। इसके साथ मैंने कोई मेजरमेंट की। अब मैं जो भी मेजरमेंट करूंगा, मुझे पता है कि ये जो 0.1 है, इसका मतलब है कि अगर ये 0 है तो ये पॉइंट होगा 0.1, ये 0.2 एंड सो ऑन, और एंड में फिर यहाँ पर आपके पास कैपिटल लाइन आ जाएगी जो कि 1 होगा, ऐसे ही है। तो ये है। अब मुझे पता है कि अब अगर मैं कोई भी मेजरमेंट करूंगा उसके अंदर कम से कम जो रोला है, अगर वो मेरी बॉल पॉइंट यहाँ से शुरू होती है और इनमें से किसी पॉइंट के दरमियान में, यानी कि 0.1 या 0.2 के दरमियान में कहीं पर भी एडजस्ट होती है, तो इसके अंदर कम से कम कपला वो ये भी तो होगा 0.05 सेंटीमीटर। उसने कहा सर ये समझ नहीं आ रहा, ये 0.05 कैसे आ रहा है? देखो, अगर आपकी बॉल पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ से शुरू हो रही है और इस जगह आके रुक रही है, तो आपको पता है 0.1 तो मेजरमेंट है। ये जो आगे की है ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली 0.05 पे रुक रहा है या आगे या पीछे। और सेम वैल्यू अगर यहाँ पर फॉरवर्ड में आ रही है तो सेम वैल्यू लोअर वैल्यू में भी होगी बैक एंड पे। तो जिसकी वजह से इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, एक अपर लेवल में और एक लोअर लेवल में, जब दोनों का आप करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, जो कि हमारे मीटर रोड का क्या है? लीस्ट काउंट। इसका मतलब है कि ये जो अपर और लोअर वैल्यूज में जो घपले आ रहे हैं, ये असल में उस इंस्ट्रूमेंट के को, इसको जब 2 से ज़र्ब देता है तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या निकल जाता है? लीस्ट काउंट। यहाँ तक समझ आ गई? आगे आ जाओ, ये उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बाद अब मैं ज़रा देखता हूँ कि मेरे पास एक मेजरमेंट है, लेट्स सपोज वो मेजरमेंट है जी 10, इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर की एक मेजरमेंट की मैंने, ठीक है। अब इस 15 सेंटीमीटर की मेजरमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पर जो घपला है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। उसने कहा सर ये तो होना ही है, ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस वैल्यू को मैंने इस पे डिवाइड किया था, इसका मतलब है कि इधर जो लीस्ट काउंट है वो उसको ऊपर रखूंगा और जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है उसमें करूंगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगा? 100 से।
आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। चलो इसको ना हम जरा सिंपलीफाई करने के लिए ना इस वैल्यू को 20 कर लेते हैं ताकि मेजरमेंट कैलकुलेटर के बगैर हो जाए। इधर 20 कर लेते हैं और इधर आ जाएगी 20। ये एक ज़ीरो इससे कट गया, एक ज़ीरो ऊपर से आया फिर कट गया, तो कितनी बनेगी? आई थिंक यही बनेगा 25। सो 5 आएगा, 5 हाँ यही बनेगी, ये बनेगी 0.5%। इसका मतलब है कि ये जो मैंने मेजरमेंट किए है ये 0.5% गलत है, 99.5% ये मेजरमेंट ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा और मेजरमेंट करता है और इसी से ही करता है तो आप ज़रा देखना कि उसका आंसर क्या आएगा। उसने इससे बड़ी मेजरमेंट कर ली, उनका बड़ी कितनी? वो कहता सर इसने इसके साथ ना कोई मेजरमेंट की 100 सेंटीमीटर की, तो मैं जब 100 लगाऊंगा इधर तो ये आंसर देखना क्या बनेगा। तो आंसर क्या आएगा 0.1%। क्या मतलब बना कि ये वैल्यू 0.1% गलत है, 99.9% ये वैल्यू ठीक है। जो गलती है वो अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऊपर कितनी थी 0.1, ये वैल्यू में थी, और ये जो आ रही है ये परसेंटेज में आ रही है। फ्रैक्शनल में क्या होगी? उसने कहा सर फ्रैक्शनल में क्या होगा, आप इसे 100 से ज़रब ना दो तो वो फ्रैक्शनल हो जाएगी, और 100 से ज़रब दे दो किसी वैल्यू को जो जैसा कि मैंने इधर किया तो ये चली जाएगी परसेंटेज में। यानी कि 100 अगर टोटल मेजरमेंट है उसमें से 99.9% मेजरमेंट बिल्कुल VIP ज़बरदस्त है, दाना है एकदम, लेकिन 0.1% मेजरमेंट है ना इसमें घपले। अब ये कितनी है ये आपको कैलकुलेट होकर बता रहा है कि ये इस टुकड़े में इतना बन रहा है, जो कि इधर एग्जांपल दी कि 100 पे जब हमने उसी को किया तो ये इतनी जो वैल्यू का आपका जो चेंज आ रहा है ये आपके पास घपला आ रहा है। ठीक है, इसको ज़रा और एग्जांपल से एलैबोरेट करके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों आई थिंक समझ आ गए होंगे कि जो हमारी प्रिसीजन है वो असल में इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रही है कि इंस्ट्रूमेंट की ये वैल्यू होनी ही होनी है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है जो कि जो हर हार में अनसर्टेनिटी आनी है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, यानी कि प्रिसीजन पे ही भी वो भी चला जाता है। एक्यूरेसी क्या है? वो परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं कि कितने परसेंट वैल्यू ठीक है, वो परसेंटेज आपकी कहलाती है एक्यूरेसी। अच्छा, अब इसको एक और एग्जाम्पल से करता हूँ। मेरा भाई साहब वेट है 119 पाउंड, मेरी एक बिल्ली है कैट लिख देता हूँ WC, उसका वेट है 9 पाउंड। ठीक है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है या मेरे घर में कोई डिवाइस है जो मेजरमेंट कर लेती है वेट की, वो मेजरमेंट जब वेट की करती है तो वेट की मेजरमेंट के ऊपर उसके पास कम से कम जो मेजरमेंट हो सकती है यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो है जी 1 पाउंड। ठीक है, मैंने बिल्ली उठाई और उठाकर उस मशीन पर खड़ा हो गया, तो आप बताओ टोटल वेट कितना हो गया? आपको सर दोनों का सम हो जाएगा 128 पाउंड। अब जरा मैं इसके ऊपर वैल्यू को कैलकुलेट करके देखूं तो एरर कितना आता है? आपको सर वैल्यू ना उस 100 की तरह बड़ी लग रही है, एरर आने के चांसेस कम है, यानी कि जब मैं इसकी बात करूंगा, जब मैं इस मेजरमेंट को कैलकुलेट करूंगा तो मैं देखूंगा यार वैल्यू बड़ी है उस 100 की तरह, तो परसेंटेज में जो आने का आंसर है वो काफ़ी हद तक कम होगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा सर जरा करके देखे, मुझे पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए इसे मैं लिख लेता हूँ PC परसेंटेज, अबे यार इसको मैं लिख लेता हूँ PU परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये क्या होगी? इसको मैं लिख लेता हूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी FU, ये क्या होगी? ये होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 128 करें ज़रा, तो आंसर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 128, तो आंसर बन रहा है जी 0.0078। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास ये क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब मैं देखता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो क्या करना है? सिर्फ इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर विल बी 0.0
8%। इसका मतलब है जो मेरी वैल्यू है, जो मेरे डिवाइस ने मुझे कैलकुलेट करके दिया भाई साहब, उस वैल्यू के अंदर 0.8% गलती है, और वो कितने परसेंट ठीक है? 99.2% वो वैल्यू ठीक है, 99.2% वो वैल्यू ठीक है। अब ज़रा इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो वो जो मैंने बताया था 0.05, इसको इधर देख लो। अब जो मेरा ये वेट है, ये वेट 188.5 भी हो सकता है या 119.5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अगर लीस्ट काउंट को मैं दो पे डिवाइड करूँ, 1/2, तो आंसर विल बी 0.5, यानी कि इतने पाउंड अप भी हो सकता है और इतने पाउंड डाउन भी हो सकता है, जो कि क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है? लीस्ट काउंट। अच्छा, इसी वैल्यू को ज़रा हम एक और अंदाज से करके देखें। अच्छा, अब मैंने ना अपना वेट कैलकुलेट करना है, लेकिन मेरे पास बिल्ली नहीं, बगैर बिल्ली के कैलकुलेट करता हूँ, तो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देखें आप, वो आ जाएगी 1/119, तो आंसर विल बी 0.008। और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखूँ, तो इसी वैल्यू को 100 से ज़रब देना, तो आ जाएगा 0.8%। ठीक है, यानी कि सेम तकरीबन वही पड़ रहा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बिल्ली की जस्ट करूँ तो ज़रा देखते हैं, कैट के लिए, फॉर कैट ओनली, ज़रा इसको देखें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? आपको कहा सर 1/ बिल्ली का वजन, मैंने कहा नो, आंसर विल बी 0.1। अच्छा, तो मैंने कहा इसकी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो देखें, आपको कहा सर 1/9 × 100, यानी किसी वैल्यू को आपने जस्ट 100 से ज़रब देना, तो क्या आ जाएगा? 11%। उसने कहा सर जब आपने बिल्ली को देखा तो बिल्ली में तो नुकसान ही बड़ा ज़्यादा हो गया, आपको 11% लॉस हो गया, 89% वैल्यू ठीक है, यानी कि 11% गलत है, 89% वैल्यू ठीक है, तो इतना ज़्यादा लॉस हो गया आपको। लेकिन इधर जब आप बात करते हो कंबाइन वेट की या अपने सेपरेट वेट की, तो उसके अंदर लॉस के चांसेस बड़े कम हुए। ये क्यों हुआ? ये वही एग्जांपल की तरह हुआ कि मेरा इंस्ट्रूमेंट तो जो है वो प्री साइज नहीं है इतना, क्योंकि उसका वो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, आल दो उसके ऊपर जो बड़ी मेजरमेंट की गई है उसमें घपले के चांसेस कम है। समझ आ रही बात की? अब इसके अंदर 9 के पाउंड के अंदर इतना घपला हुआ कि आंसर 89% ठीक आ रहा है, लेकिन जब ये वेट हुआ 119, तो इसके अंदर घपले के चांसेस इतने कम हुए कि हर किसी से थोड़ा थोड़ा घपला लिया गया, तो सिर्फ आंसर 0.8% हुआ। अब शायद आपको अनसर्टेनिटी की समझ आ गई होगी। अगर आप में से कोई बंदा मुझे ये बता सकता है, अगर बिल्ली का वज़न 1 पाउंड हो, तब यानी कि मैस जो 1 पाउंड हो, फॉर वेट ऑफ कैट 1 पाउंड, तो बताओ कितने परसेंट चांसेस हैं कि वेट सही मेजर होगा और कितने परसेंट चांसेस हैं कि गलत मेजर होगा? आपको कहे सर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 100 नहीं अभी करेंगे, 1 1, तो 1 आ जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1 1 × 100, इसका मतलब क्या बना कि 100% जो वेट में एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो चुकी है, कोई कंफर्म नहीं है कि वो वेट वो 100% ही है या ज़्यादा है, यानी कि वो वेट 1 पाउंड ही है या ज़्यादा है या कम है, कोई पता नहीं है। इसका मतलब क्या बना भाई साहब कि आपके पास 100% वैल्यू गलत है, 100% वैल्यू गलत है, लेकिन लीस्ट काउंट जो है वो 1 पाउंड है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसी वैल्यू को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करूं जो 1 पाउंड से कम की वैल्यू को मेजर कर सके, तो फिर आप देखना आंसर बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिवाइस आ गई, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 है, तो इसका आंसर बनेगा 0.5, और जब मैं इधर 0% में पुट करूंगा तो इसे करूंगा तो याद आएगा 50, इसका मतलब 50% वैल्यू ठीक है और 50% गलत है। तो इसका क्या मतलब बना कि एक्यूरेसी लाजमी बात नहीं है कि ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट पे, ये डिपेंड कर रही है इस पूरी कैलकुलेशन से किसके ऊपर कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो कैसी है। अगर वो मेजरमेंट प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट को अपने लिए लेना चाहती है तो आप उससे जब करोगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है, लाजमी बात नहीं है कि एक्यूरेसी लीस्ट काउंट पे ही डिपेंड करेगी। हाँ, प्रिसीजन कहाँ तक हद रसाई है वो जस्ट डिपेंड करती है आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट, विच इज़ यू कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ज़रा हम बुक की तरफ आते हैं और बुक की जो 2 एग्जांपल्स हैं उन्हें ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो जनाब अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। बुक ने ना 2 मेजरमेंट की, एक मेजरमेंट तो की मीटर रॉड से,
ठीक है, और एक मेजरमेंट की बुक ने वर्नियर कैलिपर से, किससे? वर्नियर से, ठीक है जी। मीटर रॉड की जो मेजरमेंट है वो है जी 25.5 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर की है वो जी 0.45 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? आपको सर वो तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होगा, कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और मैंने कहा इधर इस, आपने कहा सर इधर जो है, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ जी, ये वैल्यू, ये भी वैल्यू, इसका कितना होगा? आपको कहा सर इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मैंने कहा फिर, उसने कहा सर ये इंस्ट्रूमेंट ना लीस्ट काउंट से देखो प्री साइज लग रहा है, हद रसाई बहुत आगे तक है। मैंने कहा ये, उसने कहा सर ये लेस प्री साइज, ठीक है। अब ज़रा इसकी देखते हैं कि वैल्यू करेक्ट ज़्यादा किसने मेजरमेंट की हुई है। उसने कहा सर करेक्ट कैसे पता लगी? मैंने कहा यार वही जो अभी पढ़ा है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वो क्या होती है? उसने कहा सर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई दी वैल्यू। और मैंने कहा इधर, उसने कहा सर इधर भी यही, हाँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वो क्या होगी? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई वैल्यू। अगर मैं इसके ऊपर आंसर देखूँ और इसके ऊपर आंसर देखूँ, तो मैं अभी कैलकुलेटर भी निकालता हूँ, आप ज़रा चेक कीजिएगा क्या आता है आंसर। 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5, द आंसर इज 0.004। आंसर क्या आता है? 0.004। और मैंने कहा इधर, उसने कहा सर इधर भी देख लेते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.45, द आंसर इज 0.02। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा सर इसकी ज़रा फ्रैक्शनल तो निकालें। मैंने कहा लो सर फ्रैक्शनल निकाल, सॉरी परसेंटेज तो निकालें। मैंने कहा सर परसेंटेज के लिए सिर्फ इसको 100 से ज़रब देना है, जब मैं इसको 100 से ज़रब दूंगा, 0.004 मल्टीप्लाई बाई 100, दी आंसर विल बी 0.4%। और मैंने कहा इधर, इसको जब मैं 100 से ज़रब दूंगा तो आंसर आएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने कहा अभी तो सर आप कह रहे थे प्री साइज इंस्ट्रूमेंट वन ईयर है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी, गलती की गुंजाइश किस में आ रही है ज़्यादा? इसमें, यह 2% है, यानी कि 98% ये वैल्यू ठीक है। और इसने, उसने कहा सर ये 0.4% गलत है। तो मैंने कहा सही, 99.6% ये वैल्यू ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट, लाजमी बात नहीं है कि ये एक्यूरेट ही करेगा, ये वाली मेजरमेंट इतने परसेंट एक्यूरेट है, और ये वाली मेजरमेंट इतने परसेंट क्या है, ठीक है, या 2% गलत है, 98% एक्यूरेट है। इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी, और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है कि इंस्ट्रूमेंट किस किस्म का है जिससे आपने मेजरमेंट की है। अगर मैं इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लूँ तो आप देख लें इसका आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर बड़ा अच्छा आ जाएगा, 0.001 कर दो और मेजरमेंट यही रखो, बड़ी मेजरमेंट, तो आंसर आएगा इससे बढ़ जाएगा, तो परसेंटेज इसका आंसर इससे कम हो जाएगा, परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी और ये आंसर बढ़ जाएगा, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। समझ आ गया? तो बुक की डेफिनेशन जरा आप लिखते हैं, अ प्रीसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस, कौन सी अनसर्टेनिटी? लीस्ट काउंट वाली, यानी कि लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि हर बार में आनी आनी है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ लीस्ट काउंट, ठीक है। और एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज मेजरमेंट इज दी वन विच हैज लेस, कौन सी? फ्रैक्शनल स्लैश फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये नहीं आप चेंज कर सकते यार, किसी भी इंस्ट्रूमेंट ये नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये उसकी लिमिट है, ये आनी आनी है, तो ये प्रिसीजन में चला गया। हाँ, मेजरमेंट एक्यूरेट आप कर सकते हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लो तो मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स याद करो, मेजरमेंट जितनी प्रीसाइज होगी, अब वो कैसे होगी? प्रीसाइज करने के लिए आपको लीस्ट काउंट काम करना पड़ेगा, और उसी मेजरमेंट के लिए अगर मैं लीस्ट काउंट काम कर दूँ तो आप देखना वो वैल्यू भी ज़्यादा सही हो जाएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, नहीं भी हुआ कमेंट में बता दो, कुछ डाउट है बताओ यार, हम सॉल्व करें।
किस लिए बैठे हैं। ओके जी।